नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे एंकल फ्रैक्चर के बारे में। दोस्तों एंकल जॉइंट हमारी टखने की जो जॉइंट होती है वो बनती है तीन बोन से, डिस्टल एंड ऑफ फिबुला, यानी कि फिबुला जो छोटी वाली हड्डी होती है शिन बोन के बगल में, इसका निचला हिस्सा, शिन बोन का निचला हिस्सा जिसे बोलते हैं डिस्टल एंड ऑफ टिबिया एंड ऑफ टैलस। ये तीनों जॉइंट, तीनों बोन मिलकर एक जॉइंट बनाती है जिसे बोलते हैं एंकल जॉइंट। अब दोस्तों इस जॉइंट की फ्रैक्चर हो कैसे सकती है? यूजली इस जॉइंट की फ्रैक्चर होने के लिए बहुत ज़्यादा मेजर फोर्स नहीं चाहिए होती है, सिंपल कभी दौड़ते भागते हुए एंकल कभी ट्विस्ट हो जाए इसमें भी इस जॉइंट में फ्रैक्चर हो सकती है। तो दोस्तों इसमें यूजली जो फ्रैक्चर होती है वो होती है मिडल मैलुलस की फ्रैक्चर। मिडल मैलुलस यूजली सिन बोन का सबसे निचला हिस्सा होता है जहाँ पे हड्डी थोड़ी आउटग्रो करती है और आपको अंदर वाले हिस्से पे जो बोन ग्रोथ फील होती है एंकल जॉइंट में वो मिडल मैलुलस होती है। दूसरा फ्रैक्चर जो हो सकता है दोस्तों वो होता है डिस्टल एंड ऑफ फिबुला या लैटरल मैलुलस फ्रैक्चर। ये जो छोटी हड्डी होती है हमारी लेग बोन में उसका सबसे निचला हिस्सा और बाहर की तरफ जो आपको एंकल जॉइंट में हड्डी फील हो रही होती है वो लैटरल मैलुलस होती है, तो उसकी फ्रैक्चर हो सकती है। और तीसरा दोस्तों इसमें जो कॉमनली फ्रैक्चर होती है वो होती है पोस्टीरियर मैलुलस की, यानी कि जो हमारी शिन बोन का निचला हिस्सा है उसका पीछे के छोटा सा जॉइंट का पार्ट एक टूट जाता है। तो यूजली दोस्तों इसमें या तो आइसोलेटेड मिडल मैलुलस या लैटरल मैलुलस की फ्रैक्चर हो सकती है या इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियल एंड लैटरल मैलुलस की फ्रैक्चर हो सकती है, यानी कि मिडल मैलुलस भी टूट गई और बाहर की वाली हड्डी भी टूट गई, या फिर इसमें तीनों ही कोने इसके टूट सकते हैं जिसे बोलते हैं ट्राई मैलुलर फ्रैक्चर। तो अब दोस्तों इसमें हम इलाज कैसे करते हैं? सबसे पहले तो दोस्तों हम इसमें थोड़ी क्लिनिकल असेसमेंट करके देखते हैं कि एंकल में पेन कितनी है, सूजन कितनी है, लोकलाइज टेंडरनेस कहाँ कहाँ है और एंकल की मूवमेंट हो पा रही है कि नहीं, पेशेंट इस पे वेट बेयर कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर इसके बाद दोस्तों हम एक एक्सरे करा के देखते हैं कि इसमें एक्चुअली में फ्रैक्चर है कहाँ कहाँ और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी है। अगर मान लेते हैं दोस्तों आपकी आइसोलेटेड लैटरल मैलुलस या मिडल मैलुलस फ्रैक्चर है और वो बिल्कुल अनडिस्प्लेस्ड है, अपनी जगह पर है, बस हमें हल्की सी दरार सी दिख रही है, तो यूजली ऐसे कंडीशन में दोस्तों इसमें प्लास्टर करने से काम हो जाता है ठीक। यूजली इसमें हम एक हफ्ते का कच्चा प्लास्टर करते हैं ताकि स्वेलिंग थोड़ी टेक केयर हो जाए, एक हफ्ते के बाद हम इसमें पक्का प्लास्टर करते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों हम वेट बेयरिंग अलाउ नहीं करते इनिशियल 6 हफ्ते तक, क्योंकि इसमें वेट बेयरिंग करने से हड्डी जुड़ती भी नहीं है और डिस्प्लेसमेंट का भी डर रहता है। तो इसलिए दोस्तों इसमें यूजली अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर ऑफ मीडियल या लैटरल मैलुलस में प्लास्टर से काम अच्छा हो जाता है। फिर दोस्तों आता है, मान लेते हैं इसमें मीडियल मैलुलस की आइसोलेटेड फ्रैक्चर है लेकिन वो हल्की सी सेपरेटेड दिख रही है या डिस्प्लेस्ड दिख रही है। इसमें दोस्तों हल्की फुल्की सेपरेशन या डिस्प्लेसमेंट में भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये अपनी जगह वापस जाके हील नहीं होती एंड एंकल जॉइंट एक सबसे बॉडी का नीचे वाला हिस्सा है, इसे पूरा बॉडी वेट झेलना पड़ता है, तो इसमें हल्की फुल्की डिस्प्लेसमेंट भी एक्सेप्टेड नहीं होती है और ये जुड़ती भी नहीं है, क्योंकि इसकी जब फ्रैक्चर होती है तो इसकी हड्डी के ऊपर की जो कवरिंग होती है वो इसके बीच में चली जाती है, जिसे हम बोलते हैं पेरियोस्टियम इंटरपोजिशन। तो ये पेरियोस्टियम जब अंदर चली जाती है तो बोन टू बोन कॉन्टैक्ट भी लूज हो जाती है और हड्डी जुड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे कंडीशन में दोस्तों इसमें ऑपरेट होना चाहिए। यूजली मिडल मैलुलस यानी कि हड्डी के अंदर, एंकल के अंदर वाले हिस्से का हड्डी टूटने में इसमें जो ऑपरेशन होती है यूजली इसमें एक छोटी सी इंसिजन दी जाती है, उस फ्रैक्चर को एक्सपोज करके अपनी जगह बैठाया जाता है एंड इसे हम एक या दो स्क्रू से फिक्स कर देते हैं। कई बार वो टुकड़ा इतना छोटा होता है कि उसमें स्क्रू नहीं लग सकते, तो हम इसे टेंशन बैंड वायरिंग यानी कि के वायर और SS वायर के साथ इसे बांध देते हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी और परफेक्ट हो जाती है। अगेन इसमें दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली एंकल मूवमेंट जल्दी शुरू कराते हैं, रेस्ट होता है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 हफ्ते का एंड इसके बाद हम इस पर सपोर्ट के साथ वॉकिंग शुरू कराते हैं। फिर आते हैं दोस्तों हम कि आपकी लैटरल मैलुलस यानी कि एंकल का बाहर वाले हड्डी टूट गई है। अगेन दोस्तों इसमें भी अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में यूजली ऑपरेट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर अगर है तो उसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है एंड ऑपरेशन में इसमें बाहर वाली हड्डी पे यूजली प्लेट लगानी पड़ती है हमें एंड यूजली इसमें जो प्लेट आती है वो मोल्ड करके हम फिबुला के शेप में मोल्ड करके इसे प्लेट को स्क्रू से फिक्स कर देते हैं हड्डी को अपनी जगह रिड्यूस करके। तो इसमें दोस्तों मिडल एंड लैटरल मैलुलस की अगर कॉम्बिनेशन फ्रैक्चर है इसमें भी दोस्तों हमें यूजली ऑपरेट करने की जरूरत पड़ती है एंड अंदर की तरफ स्क्रू और बाहर की तरफ प्लेट लगाने से बहुत अच्छा काम हो जाता है।
पोस्टीरियर मेलुलस फ्रैक्चर अगर इनके साथ एसोसिएटेड है, ये यूजली एंकल डिसलोकेशन के बाद होती है कि मीडियल मेलुलस भी टूट गई, पोस्टीरियर लैटरल मेलुलस भी टूट गई और एंकल डिसलोकेट हो गया। तो दोस्तों जब भी एंकल फ्रैक्चर के साथ डिसलोकेशन होती है, यानी कि हमारी टैलस बोन नीचे की जो बोन है वो डिस्टल एंड टीबिया से पीछे की तरफ घसक जाती है, तो ये पीछे जाते जाते अब ये पीछे की जो हड्डी है यानी कि जिसे पोस्टीरियर मेलुलस बोलते हैं उसे भी तोड़ देती है। तो ये जब भी हम रिड्यूस करते हैं दोस्तों अपनी जगह टैलस को अपनी जगह लेके आते हैं, ये 99% चांस आ कि अपनी जगह बैठ जाती है। ये अब इस पे ऑपरेशन करने की जरूरत है कि नहीं है, ये यूजली डिपेंड करती है उसकी साइज के ऊपर और उसकी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अगर उसकी फ्रैक्चर की साइज आपके जो आर्टिकुलर सरफेस है उससे अप्रोक्सीमेटली 10-15% है सिर्फ, तो इसमें ऑपरेशन की जरूरत यूजली नहीं होती, ये स्टेबल फ्रैक्चर्स होते हैं एंड सिर्फ मीडियल एंड लैटरल मेलुलस फिक्स करके इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। अगर दोस्तों वापस रिडक्शन के बाद हमें लगता है कि पीछे से वो हड्डी बहुत अच्छे से अपनी जगह नहीं बैठी या उसका फ्रैक्चर का साइज, वो जो फ्रैगमेंट है उसकी आर्टिकुलर सरफेस का साइज ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 20-30% से ज्यादा है, तो इसमें यूजली ऑपरेट की जरूरत पड़ती है। इसमें दोस्तों यूजली हम पोस्टीरियर लैटरल अप्रोच यानी कि एंकल के पीछे वाले हिस्से से जाके उस हड्डी को अपनी जगह बैठाते हैं। बैठाने के बाद इसमें हम मिनी फ्रैगमेंट प्लेट्स लगाते हैं ताकि ये एंटी ग्लाइड प्लेट की तरह काम करती है ताकि ये अपनी जगह से घसके नहीं एंड इसे स्क्रू से फिक्स कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम एंकल फ्रैक्चर का परफेक्ट इलाज करते हैं, या तो कंजर्वेटिव या तो ऑपरेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों। Do like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.